तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की चटनी बिहारी स्टाइल, जिसको हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, समोसे के साथ, ब्रेड पकौड़े के साथ, कचौड़ी के साथ। तो चलिए हम तैयार करते हैं आज की रेसिपी। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे सामान ले लिया है जो चटनी लगने वाला है। मैंने यहाँ पे चार आलू लिया है जो मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। मैंने लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, धनिया का पत्ता, नमक, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, सरसों का तेल और गरम पानी। तो चलिए हम तैयार करते हैं आलू की चटनी बिहारी स्टाइल। तो देखिए, हमने बड़ा बर्तन ले लिया जिसके अंदर हमें चार आलू मैश करना है। चम्मच की सहायता से हम मैश करेंगे धीरे धीरे आराम से। ठीक है, देखिए मैश कर लिया, हमने चार आलू लिया जो 10 लोगों के लिए इनफ है। मैश कर लेंगे इसको अच्छे से। देखिए मैश कर लिया, अच्छे से मैश करेंगे। देखिए मैश हो चुका है, देखिए हमने मैश कर लिया। अब अच्छे से हमें मैश करेंगे और थोड़ा सा रफली मैश करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है। मैश कर लिया, उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए मैश हो चुका है, हल्दी, अजवाइन डाल दिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सब आधी आधी छोटी चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर और ये नमक, ये डाल दिया हमने। अब हमें इसे मिला लेना है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ये कुटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। अब हम इसे मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए चम्मच से हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए ये मिल चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। डाल दिया, इसमें मिला लिया और पानी अभी हमारा ऐड होगा इसके अंदर, क्योंकि ये चटनी पतली होती है, गाढ़ी नहीं होती है, ये भी गाढ़ी है। तो इसमें हम अभी और पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ऐड कर लिया, ये देखिए इतना ही होता है, इतनी इतनी पतली चटनी बनती है। अब इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। ये देखिए डाल दिया, इसको मिला लेंगे। अब हमें इसमें नींबू डालना होगा, मैंने आधा नींबू लिया है। अगर आपको आज ही खाना है तो आप इसमें पूरा नींबू डालिए, मैंने आधा डाला है क्योंकि मैं इसको रखूंगी और ये कल तक और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए। अगर आप आज ही खाना चाहते हैं तो इसको और खट्टा करने के लिए आप एक नींबू डाल सकते हैं पूरा। ये देखिए मैंने आधा नींबू डाला है, नींबू मैंने डाल दिया, ये देखिए डाल दिया मैंने, मिल चुका है। ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। ये हमारी बिहारी स्टाइल आलू की चटनी, उबली हुई आलू की। इसको आप पराठे के साथ खाइए, ब्रेड पकौड़े के साथ खाइए, समोसे के साथ खाइए। ये हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।